दोस्तों ये बुलेट की पीछे वाली मास्टर सिलेंडर है। ये पीछे वाली अक्सर ऐसा होता है ना कि ये खराब हो जाता है, नीचे से ठोकर वगैरह लगता है या इसका एमसी किट वगैरह खराब हो जाता है। तो हम इसका एमसी किट वगैरह लगाते हैं, तो एमसी किट लगाने से लगभग सक्सेस नहीं होता है, तो इसे पूरा चेंज कर देना ज़्यादा बेहतर होता है। ये पूरा मास्टर सिलेंडर 1250 रुपये का आती है और एक आता है आपका 1950 रुपये का। तो ये मैंने बहुत सारी गाड़ियों में लगाए ये वाला, तो ये अच्छा चलता है। और अगर हम एमसी किट लगाते हैं ना तो वो सक्सेस नहीं करता है, वो 2-4 दिन में फिर से ख़राब हो जाता है या 1-1.5 महीने में फिर से ख़राब हो जाता है या पंपिंग सही से नहीं कर पाता है। तो एजेंसी वाले क्या करते हैं ना, वो लोग एमसी किट कभी नहीं चेंज करते, जब भी चेंज करते हैं ना पूरा चेंज करते हैं। अब पूरा चेंज करने से क्या होता है ना कि ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता। तो ये पूरा मास्टर सिलेंडर किट है, सिर्फ इसे फिटिंग कर देना है। ये 2 बोल्ट पे टाइट होते हैं, ऐसे करके टाइट होगा और इसे कंप्लीट फिटिंग कर देना है। और यहाँ पर कंप्रेसर वाला पाइप लगेगा जो पीछे जाती है वो वाला, और यहाँ से ऑयल इनपुट होता है। तो इसे चेंज कर देने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अक्सर ज़्यादातर ऐसा प्रॉब्लम होता है ना कि नीचे में लगा हुआ रहता है, ठोकर वगैरह में लगता है, बड़ा बड़ा ब्रेकर वगैरह लगता है, इससे यहाँ पर दाग वगैरह हो जाते हैं, दब जाते हैं, तो इससे फंसने लगता है। तो इसे खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहां से इसे खरीद सकते हैं। और ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता है, 1200-1250 रुपये की आती है। जब भी आप एमसी किट वगैरह चेंज करो ना तो पहले उसका सिलेंडर का हाल देख लो, अगर सिलेंडर में प्रॉब्लम है तो आप पूरा सिलेंडर चेंज कर दो, नहीं तो फिर वो 2-3 दिन में ख़राब हो जाएगी।